हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल डायलेक्टिकल गर्ल आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक लैंडमार्क जजमेंट के ऊपर डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल ये जजमेंट 1997 में दिया गया था इसमें टू जजेस की बेंच थी जस्टिस ए एस आनंद एंड जस्टिस कुलदीप सिंह इस केस में जो मैटर इशू में था वो था कस्टोडियल डेथ्स जो कि उस टाइम पर काफी ज़्यादा बढ़ रही थी तो इसको ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट सुनाया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इलेवन गाइडलाइन शेयर करी थी जो कि किसी भी पुलिस पर्सनल या अदर अथॉरिटी को फॉलो करनी होगी किसी पर्सन को डिटेन या अरेस्ट करते टाइम आइए अब हम डीके बासु के बारे में जानते हैं डीके बासु वेस्ट बंगाल हाई कोर्ट के फॉर्मर जस्टिस रह चुके थे 1986 में जब वो लीगल एड सर्विसेज के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन थे तब उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक लेटर लिखा था जिसके साथ उन्होंने न्यूज़पेपर आर्टिकल्स अटैच किए थे जो कि कस्टोडियल डेथ्स के बारे में थे और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को यह रिक्वेस्ट किया था कि इस लेटर को एज अ रिट पटिशन कंसिडर किया जाए इस लेटर को एक्सेप्ट करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट्स और लॉ कमीशन को एक नोटिस इशू किया और उनसे इस रिगार्ड में सजेशंस मांगे डॉक्टर ए एम सिंह को एमिकस क्यूरे अपॉइंट किया गया एमिकस क्यूरे एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है फ्रेंड ऑफ द कोर्ट वन वो असिस्ट द कोर्ट बाय फर्निशिंग इन्फॉर्मेशन और एडवाइस रिगार्डिंग क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट बेसिकली किसी सीनियर काउंसिल को एज एन एमिकस क्यूरे अपॉइंट किया जाता है जो कि कोर्ट को किसी भी डिसीजन पर आने में हेल्प करते हैं इस केस में जो पॉइंट्स इशू में थे उनमें से पहला था कस्टोडियल डेथ के नंबर में इंक्रीज होना दूसरा किसी भी पर्सन को अरेस्ट या डिटेन करते टाइम पुलिस वालों का अपनी मनमानी करना और तीसरा कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि कुछ सेट ऑफ़ गाइडलाइंस होनी चाहिए जो कि पुलिस ऑफिसर्स और बाकी एजेंसीज को फॉलो करनी होगी किसी भी पर्सन का इंटरोगेशन करते टाइम उसे अरेस्ट करते टाइम या उसे डिटेन करते टाइम तो ये थ्री पॉइंट्स थे जो कि इस केस में इशू में थे इसके बाद कोर्ट ने गाइडलाइंस इशू करी और उनको कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल से भी रिलेट किया तो सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिकल ट्वेंटी क्लॉज थ्री की जिसमें कोर्ट ने कहा कि अगर कोई पर्सन कस्टडी में है तो आप उसे कंपल नहीं कर सकते अपने ही अगेंस्ट एविडेंस देने के लिए इसके आगे आर्टिकल ट्वेंटी वन जो कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है कोर्ट ने इसे भी इन गाइडलाइंस से रिलेट किया और कहा कि ये राइट right यह भी गारंटी करता है कि देयर विल बी नो असॉल्ट बाय द स्टेट आल्सो यानी कि स्टेट के द्वारा भी कोई असॉल्ट नहीं किया जाएगा जो तीसरा आर्टिकल कोर्ट ने इस केस से रिलेट किया वो है आर्टिकल ट्वेंटी टू इसमें यह कहा गया कि जिस पर्सन को हम अरेस्ट कर रहे हैं उसे अपने अरेस्ट का ग्राउंड पता होना चाहिए यानी कि उसे किस लिए अरेस्ट किया जा रहा है ये रीज़न उसे पता होना चाहिए अब बात करते हैं उन गाइडलाइंस की जो कि कोर्ट ने इस केस में इशू करी देयर आर अ सेट ऑफ इलेवन गाइडलाइंस यानी कि कोर्ट ने ग्यारह गाइडलाइंस या हम कह सकते हैं ग्यारह रूल्स इशू करे, जो कि पुलिस पर्सनल्स या किसी भी अदर अथॉरिटी को फॉलो करने होंगे किसी भी सस्पेक्ट या एक्यूज को अरेस्ट या डिटेन करते टाइम पहली गाइडलाइन है कि किसी भी पुलिस ऑफिसर को किसी भी पर्सन का अरेस्ट या इंटरोगेशन करते टाइम एक्यूरेट विजिबल और क्लियर नेम प्लेट पहननी होगी जिस पर उसका डेजिग्नेशन भी मैंशन होना चाहिए और जो भी पुलिस ऑफिसर इंटरोगेशन कर रहा है उसकी डिटेल्स और पर्टिकुलर्स एक रजिस्टर में रिकॉर्ड होने चाहिए दूसरी गाइडलाइन कि पुलिस ऑफिसर को अरेस्ट करते टाइम एक मेमो ऑफ अरेस्ट प्रिपेयर करना होगा जिस पर एटलीस्ट वन विटनेस का साइन होना चाहिए वो विटनेस अरेस्टी का फैमिली मेम्बर भी हो सकता है या फिर जिस लोकेलेटी से अरेस्ट किया जा रहा है वहाँ का कोई रिस्पेक्टेबल पर्सन भी हो सकता है उस मेमो ऑफ अरेस्ट पर अरेस्टी को भी काउंटर साइन करना होगा और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि उस मेमो ऑफ अरेस्ट पर डेट और टाइम अरेस्ट का मेंशन होना चाहिए तीसरी गाइडलाइन है कि जिस भी पर्सन को अरेस्ट या डिटेन करके कस्टडी में रखा जा रहा है किसी भी पुलिस स्टेशन इंटरोगेशन सेंटर या लॉकअप में उसे यह राइट है कि उसके किसी फ्रेंड या रिलेटिव को उसके अरेस्ट के बारे में इन्फॉर्म किया जाए एज सुन एज पॉसिबल लेकिन अगर जो अटेस्टिंग विटनेस है मेमो ऑफ अरेस्ट का वो अरेस्टी का फ्रेंड या रिलेटिव है तो उसे इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है चौथी गाइडलाइन है कि अगर अरेस्टी का नेक्स्ट फ्रेंड या रिलेटिव किसी और डिस्ट्रिक्ट या टाउन में रहता है तो पुलिस ऑफिसर्स को लीगल एड ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू उस नेक्स्ट फ्रेंड या रिलेटिव को उस अरेस्टी के टाइम ऑफ अरेस्ट प्लेस ऑफ़ अरेस्ट और उसे कहाँ कस्टडी में रखा गया है इस चीज़ की इंफॉर्मेशन देनी होगी साथ ही पुलिस ऑफिसर्स को कंसर्न पुलिस स्टेशन में टेलीग्राफिकली 8 टू तो 12 आवर्स के बिटवीन उस अरेस्ट के बारे में नोटिफिकेशन देनी होगी पांचवी गाइडलाइन है कि जो भी अरेस्टेड पर्सन है उसे इस बात से अवेयर कराना होगा कि उसका ये राइट है कि उसके किसी भी नेक्स्ट फ्रेंड या रिलेटिव को उसके अरेस्ट के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दी जाए गाइडलाइन है कि जिस भी प्लेस पर अरेस्टेड पर्सन को डिटेन किया जा रहा है वहाँ पर एक डायरी में उस अरेस्टेड पर्सन के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन एंटर करनी होगी जिसमें जो अरेस्टी का नेक्स्ट फ्रेंड या रिलेटिव है जिसे उस अरेस्ट के बारे में इन्फॉर्म किया गया है उसका नेम भी मैंशन होना चाहिए और साथ ही साथ उन सभी पुलिस ऑफिशियल्स का नेम भी मैंशन होना चाहिए जिनकी कस्टडी में अरेस्ट को रखा गया है सेवन गाइडलाइन है कि अगर एरेस्टी रिक्वेस्ट करता है तो उसे अरेस्ट के टाइम पर एग्ज़ामिन करना होगा किसी भी मेजर या माइनर इंजरी के लिए और अगर ऐसी कोई इंजरी उसकी बॉडी पर प्रेजेंट होती है तो उसे रिकॉर्ड करना होगा उसी ही टाइम और उसके बाद एक इंस्पेक्शन मेमो तैयार करना होगा जो कि एरेस्टी और पुलिस ऑफिसर दोनों साइन करेंगे और उसके बाद उसकी एक कॉपी एरेस्टी को भी प्रोवाइड करनी होगी एट्थ गाइडलाइन है कि जो अरेस्टी है उसका डिटेंशन के टाइम हर 48 एट आवर्स पर मेडिकल एग्जामिनेशन कराना होगा जो कि उन डॉक्टर्स के थ्रू किया जाएगा जो कि हेल्थ सर्विसेज के डायरेक्टर के थ्रू अपॉइंट किए गए हैं नाइन्थ गाइडलाइन है कि जो भी अरेस्ट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी कॉपीज़ इंक्लूडिंग द मेमो ऑफ अरेस्ट मजिस्ट्रेट को भेजनी होंगी टेंथ गाइडलाइन है कि इंटरोगेशन के टाइम अरेस्टी को उसके लॉयर से मिलने की परमिशन दी जा सकती है लेकिन ये परमिशन कुछ टाइम के लिए ही होगी पूरे इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं एलेवं गाइडलाइन है कि हर डिस्ट्रिक्ट और स्टेट हेड क्वार्टर में एक पुलिस कंट्रोल रूम होना चाहिए जहाँ पर अरेस्ट से रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दी जानी चाहिए जो भी पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कॉज कर रहा है उसे 12 आवर्स के अंदर उस अरेस्ट से रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन और उस अरेस्टी का प्लेस ऑफ कस्टडी यानी कि उसे कहाँ कस्टडी में रखा गया है ये सभी इन्फॉर्मेशन पुलिस कंट्रोल रूम को देनी होगी साथ ही ये सारी इन्फॉर्मेशन उस पुलिस कंट्रोल रूम के एक नोटिस बोर्ड पर भी डिस्प्ले होनी चाहिए अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर माई चैनल